फ्रेंड हैप्पी रिपब्लिक डे। दोस्तों मेरे पास हर रोज़ बहुत से कमेंट आते हैं हमारे दोस्तों के, और मैं उन कमेंट को पढ़ता भी हूं और उनके आंसर भी देता हूं। और मुझे लगता है कि इस कमेंट पर वीडियो बनाना चाहिए जो कि बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, सबके लिए फ़ायदेमंद है, तो मैं उस कमेंट पर वीडियो भी बनाता हूँ। इसी प्रकार से मेरे एक दोस्त का कमेंट है कि भाई मुझे ये बताइए कि स्ट्रेंजर PVT जो 500 वाट का एम्पलीफायर है उस पर हम कितना लोड मैक्सिमम दे सकते हैं और कितने स्पीकर चला सकते हैं और कितने कितने वाट वाले स्पीकर चला सकते हैं। और दोस्तों तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों बेसिक टेक हिंदी में आपका स्वागत है और मैं अतुल कुमार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये है स्ट्रेंजर का एम्पलीफायर जिस पे लिखा है PVT501, और इसके साइड में हमको इसके सारे फीचर के बारे में दिखाया गया है। ये हमारा 500 वाट का एम्पलीफायर है जिसमें 2 ओम्स और 4 ओम्स में काम करता है, और यहाँ पर 70 वोल्ट और 100 वोल्ट पर भी फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है। और ये यहाँ पर एक सिलेक्टर दिया होता है जिससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं स्पीकर मोड या ड्राइवर यूनिट या हॉर्न मोड पर। तो ये स्ट्रेंजर का एम्पलीफायर है। और चलिए अब हम स्पीकर दिखाते हैं कि कौन कौन से जोड़ सकते हैं। मैं आपको अपनी नोटबुक पर यानी कॉपी पर भी बताऊंगा कि आपको कितने वाट के स्पीकर लगा सकते हैं और ओम को मैच कैसे करेंगे। ये सारा कुछ मैं आपको बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा, तो वीडियो को स्किप करना बिल्कुल भी मत। ये हमारा स्पीकर है अहूजा का जो कि SAX300DX। ये अहूजा का स्पीकर है जो कि 300 वाट RMS है, और इसके जो लो फ्रिक्वेंसी स्पीकर है जो कि 15 इंच का है, और ये 8 ओम पर काम करता है। तो आप क्या करेंगे कि इसी प्रकार से दो स्पीकर लगाएंगे जो कि 600 वाट हो जाएगा, और हमारे जो 8 ओम का जो एक स्पीकर है आप पैरेलल में कनेक्शन कीजिए तो ये हमारा 4 ओम पर वर्किंग करेगा। इसी प्रकार से आप सारे स्पीकर को कनेक्शन ओम मैच कर सकते हैं। फ्रेंड तो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है और जिसमें मैं आपको ट्यूटोरियल में बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा कि आप किस प्रकार से स्पीकर को कनेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए, मान लो कि हमारे पास 200 वाट के स्पीकर्स हैं, ये भी 200 का है और यह भी 200 का है, यह भी 200 का है और यह भी 200 का है। ये हमारे 200 वाट के 4 स्पीकर हैं। तो अगर हम इनको अपने एम्पलीफायर में लगाएंगे तो यहाँ का जो वाट जो है वो वाट हमारा हो जाएगा 800 वाट। कितना हो जाएगा? 800 वाट हमारा यहाँ पर हो जाएगा। 800 वाट होने के बाद में हमारी जो एम्पलीफायर है वो कितना मैक्सिमम लोड ले सकती है? तो 800 वाट तक का। और यहाँ पर अब ओम को मैच कैसे करेंगे? देखिए, ये हमारा मान लो 8-8 ओम्स के 4 स्पीकर्स हैं, हमारे यहाँ पर 2-2 तार स्पीकर्स के निकले हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा? तो फ्रेंड हम क्या करेंगे कि इसका जो माइनस है वो माइनस में ले जाएंगे और इसका जो प्लस है वो प्लस में ले जाएंगे, पैरेलल वायरिंग को हम करेंगे। तो हमारे जो 8-8 के ओम के स्पीकर हैं वो हो जाएंगे हमारे 4 ओम के स्पीकर्स। उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी वही प्रक्रिया करेंगे और हमारे जो स्पीकर्स हैं वो हमारे स्पीकर्स हो जाएंगे 4 ओम्स के स्पीकर्स। तो हम देखिए 4 ओम्स के स्पीकर्स, और उसके बाद में जब हम इसको कनेक्ट करेंगे और फिर हम इसके तार जो प्लस माइनस वाले हैं वो इस माइनस में ले जाएंगे और जो प्लस वाले हैं वो इस प्लस में ले जाएंगे। तो हमारा ये टोटल कम्बिनेशन बनेगा 2 ओम्स का। तो हम अपने एम्पलीफायर में इसको 2 ओम्स पर चला सकते हैं। तो हमारा जो एम्पलीफायर है वो 2 ओम्स 800 वाट का आउटपुट देगा, ठीक है। और अब मान लो कि हमको 300 वाट के स्पीकर चलाने हैं। देखिए, मैं सबसे बढ़िया और अच्छा आइडिया बताऊँ कि अगर आप अपने स्ट्रेंजर PVT में 600 या 650 वाट तक का लोड देते हैं तो ये सबसे बेस्ट लोड माना जाता है और ये सबसे बेस्ट लोड है, और इस पे हमारा एम्पलीफायर ना ही कभी गड़बड़ होगा और ना ही कभी दिक्कत देगा। तो आप अगर लोड डालें तो इस पे 600 से 650 के बीच में ही लोड को डालें तो ये सबसे बेस्ट लोड माना जाता है। और फ्रेंड मान लो कि जैसे कि हमारा जो एक कॉलम है वो हमारे 2 ओम्स पर वर्किंग है, यानी 4 ओम्स पर वर्किंग है, 4 ओम्स पर वर्किंग है। तो आप क्या करेंगे कि ये हमारे दो ये कॉलम है 4 ओम्स माइनस पर प्लस प्लस जोड़ दीजिए और माइनस को माइनस जोड़ दीजिए और ये हमारा हो जाएगा 2 ओम्स 2
स्पीकर्स। अब मान लो कि हमारे जो स्पीकर्स हैं ये 300 वाट का है और ये भी 300 वाट का स्पीकर है और हमें हमारे पास दो स्पीकर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, तो इसको 2 ओम्स पे ही चला सकते हैं। आशा आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें आपको ट्यूटोरियल में बारीकी से सबको समझाया है। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।